बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज कंसर्न्ड विद योर होमवर्क एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द होमवर्क दैट वी हैव डन सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस सेशन। ये जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है तब से हमारे लेकर अब तक हमारा जितना भी काम हुआ है वो आज हम इसमें रिव्यू करेंगे। तो काइंडली अपनी बुक और अपना रजिस्टर, एक पेंसिल इरेजर हाथ में लेकर बैठें ताकि अगर आपका कोई काम मिसिंग है तो आप वो कंप्लीट कर सकें। एक रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट से, काइंडली अपना काम कंप्लीट कर लें। जितना भी काम आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है उसमें से कोई भी चीज़ आपको दोबारा से प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये काम करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप जब स्कूल आएंगे तो आपका ये काम मुकम्मल होना चाहिए, तमाम बच्चों के रजिस्टर्स पे ये काम मुकम्मल हो। इस काम को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी आपकी है, स्कूल की या टीचर्स की नहीं है। तो सबसे पहले आपका रजिस्टर है, आपका रजिस्टर याद रखिएगा, इंटरलीव होना लाजमी है। साइंस का रजिस्टर हमेशा इंटरलीव यूज़ करेंगे। इंटरलीव रजिस्टर का आपको पता है एक पेज ब्लैंक होता है और एक पेज पे लाइंस मौजूद होती हैं। इसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर खोलते हैं तो आपके पास सबसे पहले ये बॉक्स शो होता है। इस बॉक्स में आपने अपना नाम लाजमी लिखना है। अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने रजिस्टर्स पे नाम नहीं लिखे, तो काइंडली अपना नाम, फादर का नाम, क्लास और सब्जेक्ट ज़रूर लिख लें। अगर सेक्शन याद है तो वो भी लाजमी फिलअप कर लें, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे और फिर आपके कॉपीज़ पे नाम नहीं होगा तो कॉपीज़ मिसप्लेस हो जाएंगी। सो काइंडली रजिस्टर पे ये बॉक्स ज़रूर फिल करें। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके पास इंडेक्स बना हुआ होना चाहिए। साइंस का इंडेक्स आपने ख़ुद से फिल करना है। फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको फिल करके बता चुकी थी कि हमने किस तरह से फिल करना है। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का आपने ख़ुद से बनाना है। सो सबसे पहले आपको मैंने एक टाइटल पेज बनवाया था बायोलॉजी का। जिस तरह से आपने बायोलॉजी का टाइटल पेज बनाया है इसको याद रखिएगा, यही ऐसा ही टाइटल पेज आपने केमिस्ट्री के लिए भी बनाना होगा। सो सबसे पहले चैप्टर नंबर वन है बायोलॉजी का। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने चैप्टर नंबर वन प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स का टाइटल पेज बनाया होगा। उसके बाद टॉपिक नंबर वन प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का टाइटल पेज बना है। फिर इस टॉपिक में आपके पास 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं और इन क्वेश्चन आंसर्स के साथ कुछ डायग्राम्स भी हैं। फिर टॉपिक टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में टाइटल पेज और क्वेश्चन आंसर 6 हैं। याद रखिएगा, ये हर टॉपिक के साथ आपने टाइटल पेज लाजमी बनाना है और टाइटल का टॉपिक भी सही देना है। टॉपिक नंबर 3 लीव्स में आपके पास 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं। टॉपिक नंबर 4 ट्रांसपोर्टिंग फूड में आपके पास 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं। टॉपिक नंबर 5 ऑस्मोसिस में 2 क्वेश्चन आंसर और कुछ डायग्राम्स हैं। टॉपिक नंबर 6 ट्रांसपिरेशन में 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। टॉपिक नंबर 7 फ्लावर में आपके पास 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं और डायग्राम भी है फ्लावर की। ये सारा काम करने के बाद आपके पास एक वर्कशीट है। अगर आपके पास इस चैप्टर की वर्कशीट नहीं है तो काइंडली स्कूल से आकर ले लें, वर्कशीट आपने खुद से सॉल्व करनी थी। उसके बाद आपकी पेज नंबर 28 और 29 पे मौजूद एक्सरसाइज 1, 2 और 4 आपने दोनों में करनी थी, रजिस्टर और बुक दोनों में। आई होप कि चैप्टर नंबर 1 का काम आपका सारा कम्प्लीट होगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 था रेस्पिरेशन, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सबसे पहले इसका टाइटल पेज, फिर टॉपिक का नाम जो कि आपने ब्लैंक पेज पे लिखना होता है वो इंट्रोडक्शन। इसका आपने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आंसर्स थे इसके। टॉपिक 2 डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के 4 क्वेश्चन आंसर्स थे। टॉपिक 3 एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के 2 क्वेश्चन आंसर्स। टॉपिक 4 ब्रीदिंग के 2 क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा एक्सरसाइज 1, 2 फ्रॉम पेज नंबर 104 आपने रजिस्टर में भी करनी थी और बुक में भी करनी थी। अब जैसा टाइटल पेज आपने बायोलॉजी के लिए बनाया था सेम वैसे ही टाइटल पेज आपने केमिस्ट्री के लिए बनाना है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था जो कि हमारे रजिस्टर का चैप्टर नंबर 3 था, पीरियोडिक टेबल, इसका टाइटल पेज। फिर टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन का टाइटल पेज और उसके 2 क्वेश्चन आंसर्स। टॉपिक नंबर 2 केमिकल सिंबल्स एंड प्लस द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 टॉपिक्स हमने मर्ज करके किए थे, इसके 6 क्वेश्चन आंसर्स। टॉपिक 3 व्हाट आर आयंस का एक ही क्वेश्चन था। टॉपिक नंबर 4 द पीरियोडिक टेबल एंड एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूलाज, इसके 3 क्वेश्चन आंसर्स थे।
ये था आपका काम। आई होप के आप सबका काम कंप्लीट होगा। अगर नहीं कंप्लीट तो काइंडली ये काम कंप्लीट कर लें। अब इसमें से अगर आपका कोई काम मिसिंग था तो आप यहाँ पे, मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, आप यहाँ से अपना काम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास चैप्टर वन का टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट नहीं है, तो आप ये देखें चैप्टर वन का टॉपिक नंबर 6 यहाँ लिखा हुआ है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको वीक 3 के डे 3 में मिलेंगे। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको वीक 4 के डे 1 में मिलेगा। तो इस तरह से आपने इस चार्ट को फॉलो करना है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के लिए आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे। चैप्टर 6 को आपने स्किप कर देना है, वीक 6 को आपने स्किप कर देना है, क्योंकि वीक 6 में हमारे मंथली टेस्ट हुए थे, उसमें काम कुछ भी नहीं हुआ। आई होप कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। अपना काम जब स्कूल आएंगे तो आपका काम कंप्लीट होगा, बुक का भी और कॉपी का भी। सो थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून इंशाल्लाह।